इंतखाबात का नारा, इलेक्शन की तैयारी या इलेक्शन डिले करने का टैक्टिक। वेलकम टू एचपीएम विद फरिया अज़ीज। नाज़रीन, कल जब कौमी असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो आवाम को तवक्का थी कि उनके मुंतखब नुमाइंदे और अपोजिशन पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे पर सख्त एहतजाज करेंगे। आखिर कोई अवामी मामला था, मगर आवाम ने क्या देखा कि अपोजिशन ने एक मामूली से बॉयकॉट पर गुजारा किया। यही वजह है कि हमारे साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हमें याद आई, जो इस अपोजिशन को कभी भी संजीदगी से नहीं लेते थे। देख लीजिए कुछ ऐसा पहले उन्होंने क्या कहा था। मैं गो जरदारी गो के नारे भी सुन रहा हूँ तो मैं भी बोर हो गया था कि कम अज कम गो गिलानी गो के भी नारे होने चाहिए, तो वो अब उन्होंने वो मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी है, तो उनको एंजॉय करने दें। अगर वो इस नारों से वो समझते हैं कि दे आर गेनिंग पॉपुलैरिटी, तो आई थिंक उनको गलत फहमी में रहने दें। आखिर क्यों अपोजिशन को ना तो साबिक वजीर आजम ना प्रेजेंट वजीर आजम बल्कि अवाम भी लगता है कि अब संजीदगी से नहीं लेती। पिछले साल जब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने सड़कों पर आने का ऐलान किया तो हमने उनसे इसी से मिलता जुलता सवाल किया था। उन्होंने क्या जवाब दिया था वो भी देखिए। जो लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल आएंगे, वो किस लिए आ रहे हैं बाहर? उनका एंड गेम क्या है? वो हुकूमत से छुटकारा मिलेगा या सिर्फ वजीर आजम साहब जाएंगे, या आखिर में जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अंदरूनी खाना बातचीत हो चुकी है, कुछ भी नहीं होगा, जैसे गोजदारी गो के बाद कुछ नहीं हुआ था, होगा क्या? अंदरूनी खाना किसकी बातचीत हो चुकी है? ये तो लोग बातें करते हैं ना कि शायद कोई मुफाहमत हो गई है, शायद कोई बातचीत हो चुकी है और सिर्फ दिखाने के लिए एक तहरीक का आगाज कर दिया गया है। ये किसकी किसके दरमियान बात हुई है? ये लोग पीटीआई वाले इल्जाम लगाते हैं, कुछ दूसरे लोग इल्जाम लगाते हैं, कुछ अखबारों की खबरें हैं उसमें ये बात कही गई है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि अ लिटिल बर्डी जैसे कहते हैं कि आवाज ये भी आई कि शायद आपकी और क्यानी साहब की भी बातचीत हो चुकी है। फरिया, आप इन सब बातों पे यकीन करती हैं? ऐसा मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप जो कहेंगे उस पर यकीन है? ये वाकईतन अब पाकिस्तान की बका और सलामती का सवाल है। इसके लिए सिर्फ मुझे नहीं, हर पाकिस्तानी को उठ खड़े होना चाहिए। हालांकि ये बात बड़ा खुल के कही जाती है कि हर पाकिस्तानी को बाहर निकल के कुछ करना चाहिए, मगर उसके बावजूद ऑपोजिशन कुछ खास काम नहीं कर सकी। दिस वॉज एन ओल्ड इंटरव्यू, उसकी डेट आप देख सकते हैं। इतने अरसे में क्या हुआ वो भी हम सबके सामने है। पार्लियामेंट में मौजूद जमातों के बरक्स पार्लियामेंट से बाहर बैठी जमातें ज्यादा मुतहरिक नजर आती हैं। हुकूमत के खिलाफ उन्होंने ज्यादा सख्त मौकफ अपनाया। जमात इस्लामी ने हुकूमत से फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने हुकूमत को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार देते हुए इस्तीफे का मुतालबा किया है। इस सूरत हाल में एक ही मुतालबा हर जबान पर है, वो ये है कि फौरन आम इलेक्शन करा दिए जाए। मगर क्या करें, इस हुकूमत की हर कल ही निराली है। कुछ अर्सा कबल एमक्यूएम से गोल मेज कॉन्फ्रेंस का ऐलान करा के आम इलेक्शन मुलतवी कराने का जवाब तराशने की कोशिश की गई और जब ये प्लान नाकाम हुआ तो अब हुकूमत की पटारी से एक और सांप निकला, जिसका मकसद कहा जा रहा है कि आम इलेक्शन को डसना है। ये प्लान है आम इलेक्शन से कबल बल्दियाती इलेक्शन कराना और फिर ये जवाब देना कि अमले की कमी की वजह से अब फौरी आम इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं, इसीलिए असेंबलियों की मुद्दत जो है वो बढ़ा दी जाए, और जब असेंबलियों की मुद्दत बढ़ेगी तो सदर जरदारी को एक बार फिर इन्हीं असेंबली से मजीद 5 साल अहदे सदारत की सिंध मिल जाएगी। कुछ हलकों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून भी शायद इनसाइड यही चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असर जायल हो जाए और इस गर्ज से उनको ज्यादा टाइम चाहिए, इसीलिए आज वो MQM के साथ भी बाहम शेर व शकर थी, जिसको कुछ अरसे पहले वो इस काबिल भी नहीं समझते थे कि उनसे बात की जाए। मगर दीगर जमातें इस मंसूबा बंदी को कामयाब होने देंगी? क्या मंसूबा यही है? क्योंकि कुछ खबरें ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये ठान ली है कि वो अब हर सूरत में आम इलेक्शन का मुतालबा करेगी, मगर होगा क्या इस पर हम बात करेंगे। अ वेरी वेरी वार्म
वेलकम टू इमरान इस्माइल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उनके साथ मौजूद हैं तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, शैला रज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद ANP से जायद खान साहब। यू आर वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शैला साहब आपसे पूछूंगी, वो कहते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, अभी आपको क्यों याद आ गए हैं बलदियाती इलेक्शन? देखिए, दोनों इत्तेहादी पार्टी काफी अरसे से किसी रिजल्ट पे पहुंचना चाह रही थी, और ये जो अलायंसेज होते हैं इसका मतलब भी यही होता है कि मिनिमम एजेंडा पे मुत्तफिक हुआ जाए। ये कोई मर्जर तो नहीं था पीपुल्स पार्टी और MQM का, तो अब ये इन्होंने एक कोई मुसवदा तैयार किया है जिसका सुन रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ऐलान हो जाएगा। लेकिन कौन सा मुसवदा? ANP ने तो पहले ही उसकी मुखालफत कर दी है, MQM कह रही थी हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है, हम आम इलेक्शन के बाद भी करवा सकते हैं। जिस वक्त शोर था उस वक्त तो आपकी अपनी पार्टी अगेंस्ट थी इन इलेक्शन के। देखिए, हम समझ रहे हैं कि MQM की तरफ से ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जो मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही थी, बड़े एंड में जाके आपने आखिरी बात में साथ लगाया कि कुछ हल्कों का, मैं नहीं समझती कि एंकर को ऐसे इस तरह की अपनी राय देनी चाहिए। तो बहरहाल बता देते हैं ये सारी बातें, ये थोड़ा सा पुराना नहीं हो गया फैशन के सवाल का जवाब देने के बजाय एंकर को बोलना शुरू कर दें? थोड़ा सा पुराना फैशन हो गया। स्टेक होल्डर्स हैं वो बेहतर समझते हैं कि किस वक्त उनको बैठ के किस चीज पे बात करनी है। आवाम ने उन्हें वोट दे के भेजा है और वो अपने तौर पे अपना काम कर रहे हैं। अब वो लोग जिनका कोई स्टेक नहीं है, उनको ये है हक हासिल कि वो ये बैठ के बात करें कि अब क्यों और उस वक्त क्यों और ऐसे क्यों और ऐसे क्यों, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो तनकीद करते। जो कुछ नहीं करते, लेकिन कुछ तो आप नहीं कर रहे थे ना इतने अरसे से बलदियाती इलेक्शन। अब ये आवाम डिसाइड करेगी कि हमने कुछ किया या नहीं किया। नहीं, मैं बलदियाती इलेक्शन के हवाले से कह रही हूं। बलदियाती इलेक्शन के हवाले से आपने क्या किया शाह रजा साहबा? मैं तो उसके हवाले से बात कर रही हूं। इलेक्शन तो आपने नहीं करवाया ना इतने अरसे से, अब अगर करवाए तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा ना। हम तो करा देते, लेकिन दो मुख्तलिफुल ख्याल पार्टी का ये अलायंस था और दोनों का जो था वो मुतालबा अपने अपने। माय डियर रिस्पेक्टेड मैडम, वो दोनों मुख्तलिफुल ख्याल पार्टियां अभी भी मुख्तलिफुल ख्याल हैं, वो अभी भी अलग अलग जी बिल्कुल होने भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से दुश्मन हो जाएं। और दोनों ने मिलकर दोनों निजाम की जो खराबियां थी उनमें से कोई एक सिस्टम बनाया है और वो बैठ के अभी कर रहे हैं। ठीक है, वो सिस्टम बना रहे हैं, कर रहे हैं पंजाब की हरकत नहीं हुए हैं। वो सिस्टम जो चेंज कर रहे हैं उस पर रोशनी भी डाल दें, इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं। देखिए, वो अगर कह रहे हैं तो जो वो पॉलिसी लाए हैं वो तो मैं समझती हूँ कि उसको भी वो जुजान में टाइप कोई चीज बनाए और उसमें रख दें, वो कभी भी सवाल करें मशरिक का जवाब मगरिब का। मैंने आपसे पूछा कि आप कह रही हैं हमने सिस्टम चेंज किया, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या चीज चेंज की है बलदियाती निजाम में आपने? भाई साहब, अभी मैं भी जो है वो कोर कमेटी में नहीं हूँ, मैंने वो मुसवदा नहीं पढ़ा। हमारे यहाँ एक तरीका है, कोर कमेटी बनी हुई है, इस तरह नहीं है कि एक ही पार्टी एक ही शहर में चार अवतार डिनर हो और एक ही पार्टी के लोगों के यहाँ चार मुख्तलिफ जगह एक कोर कमेटी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुसवदा पढ़ लिया आपने, आपने कहा उसको जज्बान में रख दें, लेकिन अभी अपना मुसवदा पढ़ेंगी? अभी आया ही नहीं तो मैं कहाँ से पढ़ लूंगी, मेरी वो वाली आंखें नहीं है जो किसी चीज में जाके पढ़ लें। ठीक है, शैला रज़ा साहब का कहना है कि मुख्तलिफुल ख्याल पार्टीज थी, देर आए दुरुस्त आए समझ लें। गवर्नर पंजाब ने भी लेटर लिख दिया कि कराए जाए फौरन बलदियाती इलेक्शन, अब आप लोग करवाएंगे इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जी कि इस वक्त हम ये समझते हैं कि सिवाय आम इंतखाबात के, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है या जहाँ पे मुल्क इस वक्त पहुँच चुका है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, सारे रोज़ आपके प्रोग्राम्स में रिपीट होते रहते हैं, उसके अलावा कोई हल नहीं है। इसकी वजह ये तो नहीं कि बलदियाती इलेक्शन तो आप करवाने नहीं चाहते थे? नहीं, कतई तौर पर ऐसी बात नहीं है। बलदियाती इलेक्शन जो हैं वो जो आजकल मैं तो ये कहूँगा, फिर आप कहेंगी कि ये पुराना फैशन हो गया, लेकिन मैं अगर उन सर्विस की बात करूँगा, जमातों की पॉपुलैरिटी की बात करूँगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पॉपुलैरिटी में पहले नंबर पे हैं। तो कोई पुराना फैशन हमें कोई ख़तरा नहीं है इस बात से कि बलदियाती इंतखाब करा के हमें खुदा न खास्ता कोई परेशानी होगी या हमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, हम ये समझते हैं कि इस वक्त बजाय कौम को एक और सिमत में लगाने के, सिवाय आम इंतखाबात के,
जो कि इस वक्त लोगों का देरीना मुतालबा है और हम लोग भी इस मुतालबे को बारह दफा रिपीट कर चुके हैं, उसके अलावा और कोई हल नहीं है। जहां तक आपने कहा कि एक साल की मुद्दत की तौसी, हम समझते हैं कि किसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि एक साल मजीद इनको दिया जाए और जो कोई बची कुची उम्मीद रह गई है, कोई भी नई जमात आएगी अगर वो इक्तदार में इंशाल्लाह ताला तब्दीली आएगी उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंज। तो आप लोग फौरी इलेक्शन चाहते हैं? बिल्कुल, आप इसके ऊपर बिल्कुल फौरी इलेक्शन चाहते हैं। हुआ है ना, ताहिर फैसल चौधरी साहब पर्सनल मत लिया करें किसी बात को, मगर मैंने इसलिए मियां साहब का इंटरव्यू दिखाया था, मैंने उनसे पूछा था कि अब आप लोग वापस तो नहीं जाएंगे, मुझे बताएं क्या हुआ आपकी तहरीक का, गोजदारी गो का क्या हुआ? गो गया मगर उसने आपको चलिए अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम आपने ये तो माना कि एक तहरीक किसी मंतकी अंजाम तक नहीं, वो उस तहरीक के नतीजे में नहीं गए, नहीं उस सजा याफ्ता उसे हम असेंबली में किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बना। ये कौन सी तारीख थी आपकी? कमाल है, पूरे पूरे मुल्क को पता है जब जब उस फैसले के बाद असेंबली का इजलास हुआ, मेरा ख्याल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई मेंबर अपनी सीट पर नहीं बैठा, कोई बिजनेस असेंबली का नहीं हो सका और नतीजतन उसके बाद ये तहरीक इतना ज़ोर पकड़ गई कि जब स्पीकर साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद से इनकार कर दिया तो मेरा ख्याल वो इंतहा थी। सो यू वांट इलेक्शंस ना, जनरल इलेक्शंस, और अब गवर्नर को क्या कहेंगे आप? इसके अलावा कोई और हल नहीं है। गवर्नर साहब के जो खत हैं वो लव लेटर्स कई हमें आते रहते हैं और उनका जो मतन होता है, उनका जो सियाको सबाक होता है, वो कोई गवर्नर की मैं समझता हूँ कि जो एक आईनी पोजीशन या हैसियत है, ना उसको मुताबिक होते हैं, ना उसकी हैसियत होते हैं, कंप्लीटली लीगल, इसमें कोई गलत नहीं। मैं वैसे आपको बात बता रहा हूँ कि गवर्नर जो है ना वो एक आईनी ओहदा होता है और उसमें जिस तरह वो एक पार्टी बने हुए हैं पंजाब में और जिस तरह वो पंजाब गवर्नमेंट को टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले भी ऐसी वो कई एफर्ट्स कर चुके हैं, उसको तो हम देखेंगे कि हम कैसे टैकल करें। वो कह रहे हैं कि इन्हें अब सिर्फ जनरल इलेक्शन चाहिए, अगर बल्दियाती इलेक्शन की वजह से आम इंतखाबात डिले हो जाते हैं तो आपकी पार्टी का मौकफ क्या होगा? यू आपको अभी इलेक्शंस चाहिए या आपको टाइम चाहिए? हमें जनरल इलेक्शंस फौरन चाहिए, हम चाहते हैं कि आपके अंदरूनी इलेक्शन नहीं हुए वैसे अभी तक हमारी पार्टी के हो रहे हैं। हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसपे इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन हो रहे हैं, 1 करोड़ की मेंबरशिप हुई है हमारी, हमारे 16 तारीख से हमारे इलेक्शन शुरू है ना, उसका टाइम हो जाएगा, 16 तारीख से शुरू है हमारे इलेक्शन इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि बहुत बड़ा चेंज आएगा इस इलेक्शन से, हमें एक तजुर्बा भी होगा इलेक्शन का और हमें तो आपको इलेक्शन कब चाहिए? पाकिस्तान में किसी जमात ने इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन नहीं कराए, यहाँ पे हमेशा सिलेक्शन होती है, इलेक्शन नहीं होते, ये प्रॉपर इलेक्शन होने जा रहे हैं, यानी इसमें बैलेट पेपर्स बनेंगे, इसमें सारी चीज़ें हैं, लोग हमारे जो वर्कर्स हैं वो अपने लीडर्स खुद चुनेंगे, टॉप लेवल तक इलेक्शन जाएंगे। कितना टाइम लग जाएगा इस एक्सरसाइज में? 1-1.5 महीना लगेगा। तो उस 1.5 महीने के बाद ही आप जनरल इलेक्शन फोर्स करें ना, तो इलेक्शन भी हो जाए तो क्या हर्ज नहीं? बल्दियाती इंतखाबात देखें, ये बदनीयती पर मबनी है, ये बल्दियाती इंतखाबात करके इलेक्शन कमीशन को टोटल इधर बिजी करना चाह रहे हैं, टाइम बाइंग की टैक्टिक्स है सारी, उसके बाद ये कह देंगे कि जी अब हमारे पास वर्क फोर्स नहीं है और इलेक्शन कमीशन के पास टाइम नहीं है, इतने शॉर्ट पीरियड में हो नहीं सकते, तो पोस्टपोन करने में एक का बात है, मुझे नहीं पता उसका इन्होंने क्या सोचा होगा, अगर ये इलेक्शन पोस्टपोन करते हैं, नेशनल असेंबली को प्रोलॉन्ग करते हैं फॉर अ ईयर, जो ये कर सकते हैं इमरजेंसी नाफिज करके, तो ये सिर्फ नेशनल असेंबली को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, प्रोविंशल्स को नहीं कर पाएंगे, जब तक प्रोविंशियल असेंबलीज इन हाउस नहीं होंगी तो ये नेशनल असेंबली जो है सिर्फ नेशनल असेंबली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं कर सकती, प्रोविंशियल असेंबलीज का होना ज़रूरी है वहाँ पर, उसका भी पता नहीं कोई निकाला होगा तोड़ कुछ सोचा होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये टोटल बदनीयती पर मबनी है, जब इंतखाबात सर पर आ गए, पर मबनी है, लेकिन मैं शहर रजा साहब से पूछना चाहूंगी, अब मुझे कंप्लीट करने दें, जब इंतखाबात सर पर आ गए ना बिल्कुल, तो उस वक्त ये इंतखाबात का ऐलान करना, बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करना, यानी इस वक्त आप अपनी टीम को बिठा के, आपकी गवर्नमेंट है, आप अपनी टीम से इलेक्शन करा के अपनी टीम को बिठा के उसके बाद आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं ताकि जो पावर सारे नाजिमों के पास आएंगे वो भी सारा यूटिलाइज करें उसके लिए। आपको 4 साल से 3 साल से तो ख्याल नहीं आया इस चीज़ का, बड़ी देर की मेहरबान आते आते आज अचानक आपको ख्याल आ गया कि लाओ बल्दियाती इंतखाबात करा देते हैं चलते चलते। आज अचानक बल्दियाती इलेक्शन का ख्याल क्यों आया, इस पर हम बात करेंगे, एएनपी से भी बात करेंगे कि उनको क्या रिजर्वेशंस हैं, वक्फ की तरफ जाना है, मगर आपको दोबारा 2 मई की तारीख याद करानी है। 2 मई की वो तारीख ऐसी है क्योंकि पर्सनली मैं उसको सारी उम्र नहीं भूल सकती। 2 मई
यानी जब उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन की खबर आई, मुझे याद है कि उसकी कुछ देर बाद ही फॉक्स न्यूज़ में देख रही थी, जो मैं यूजली नहीं देखती मगर उन दिनों देख रही थी, और वहाँ पर मुसलसल ये खबर चल रही थी कि कुछ देर बाद उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन की, उनके मरने की तस्वीर जो है वो जारी होने वाली है। ये बार बार रेड अलर्ट चल रहा था और मैंने सच जान लिया, मैं बैठ गई वहाँ पर। एक घंटा गुजरा, दो घंटे गुजरे, आज 487 दिन गुजर चुके हैं, उसामा बिन लादेन की ना तो कोई तस्वीर जारी हुई और ना ही मेरा ख्याल से कभी जारी होगी। मगर इस ऑपरेशन के हकायक से पर्दा हटना शुरू हो गया नाजरीन। इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एक अमेरिकन नेवी सील ने किताब लिखी है जिसका नाम है नो ईजी डे। वो किताब आज ही शाया हो चुकी है और इस कार्रवाई में उन्होंने इस पूरे दिन का आंखों देखा अहवाल लिखा है, जो हमें अब तक बताए जाने वाले हकायक से काफ़ी क्लैश करता है। अमरीकी कमांडो ने लिखा है कि ये सारा ऑपरेशन एक बुरी एक्शन फिल्म जैसा था। उसामा बिन लादेन के पास कोई हथियार नहीं था। अमरीकी हुकाम का ये कहना था कि वहाँ एक तवील झड़प हुई, ये सरासर गलत बयानी है। इस किताब में ये भी कहा गया कि उसामा बिन लादेन को पहले ही कमरे में एंटर होने से पहले ही मार दिया गया जब वो झांक कर बाहर देख रहे थे, और ये बात गलत है कि जब वो अंदर गए और लगा कि उन्होंने कोई पिस्टल उठाई है तो उस वक्त उनको मारा गया। ये बात भी लिखी जाती है इस किताब में कि उसामा बिन लादेन को जो अमेरिकन का कहना था या अमेरिकन स्टेट की क्या ये कहना था कि उनकी लाश को पूरी मजहबी एहतराम के साथ समुंदर बुर्द किया गया, ये भी गलत है क्योंकि जब उसामा बिन लादेन की लाश को हेलीकॉप्टर में रख कर ले जाया जा रहा था तो जगह ना होने की वजह से एक अमेरिकन कमांडो उसामा बिन लादेन की लाश के ऊपर चढ़कर बैठ गया था। तो उस किताब का अकाउंट है, सच जो भी उससे पर्दा हटता है। इस वक्त हम ये सच जानने की कोशिश करें कि बलदियाती इंतखाबात का ख्वाब क्यों आ गया एकदम। मंजूर वस्ता साहब ने तो जनरल इलेक्शन का ख्वाब देखा था। वक्फे के बाद बात होगी। कीप वॉचिंग एटपीएम विद वरिया ड्रीम्स। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बलदियाती इंतखाबात की। शाहरुख रजा साहिबा, वक्फे में जाने से पहले इमरान इस्माइल साहब का ख्याल ये है कि बदनीयती शामिल है इन इलेक्शंस में। सवाल ये है कि आप ही की हुकूमत, सिंध हुकूमत क्योंकि आप उसको रिप्रेजेंट करती हैं, एक लेटर लिख चुकी है सुप्रीम कोर्ट को कि बलदियाती इंतखाबात कराना मुश्किल है अमले की कमी की वजह से। अब क्या उस मौकफ से हट चुकी है सिंध हुकूमत? देखिए, अभी हमने ये नहीं कहा कि फौरन फौरन कराए जाएं। अभी ये मुसव्वदा सामने आया है, हमारी ख्वाहिश है कि हम इसे कराएं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फरिया मुझे सिर्फ 4 मिनट दे दें। जो लोग ये कह रहे हैं हमारी बदनीयती है, तो हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन में खुद किधर खड़े हैं, उनके पास कितने इलेक्टेबल हैं। सिंध में मेरे दोनों भाई यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि नादिर अकमल लगारी के बाद उन लोगों के साथ जो आरिफ अलवी हैं, फिरदौस नकवी हैं, जो पहले दिन से इनके साथ खड़े हैं, नादिर अकमल लगारी के बाद इन्होंने उनको क्या मुकाम पे खड़ा कर दिया? सिंध में इनको कौन सी सीट नजर आ रही है? अच्छा, दूसरी बात, जो मेरे दूसरे भाई मुस्लिम लीग एन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो लोग जो बहैसियत इंटरिम वजीर आला सिंध का एनएफसी में हिस्सा जो है वो 12 साल तक कटवाते रहे, जिनका नारा हमेशा ये था कि सिंधी, पख्तून और बलोचियों को एक हो जाना चाहिए पंजाब के खिलाफ, और वो कन्फेडरेशन के हामी थे और वो पंजाब के इतने खिलाफ थे कि वो पाकिस्तान आर्मी के बजाय पंजाब आर्मी कहते थे, PIA के बजाय पंजाब एयरलाइन कहते थे। तो ये उनके साथ मिलकर जिनमें एक खातून का रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने सक्कर एयरपोर्ट पे पाकिस्तान का झंडा जलते वक्त तालियां बजाई, जिन्होंने कालाबाग डैम की हिमायत करने वालों के साथ, अब अगर सिंध के ये लोग मिल गए हैं या ये इनके साथ मिल गए हैं, तो आप मुझे बताएं कि इसको मैं सिर्फ एक ही बात करूंगी कि ये मल्टीप्लीकेशन है किसी भी डिजिट की 0 के साथ, और इसका आंसर है 0।
उनकी कोई उन्होंने क्या आज तक जीत लिया, जो बहुत बड़े साहब हैं वो एक मास्टर के बेटे से हार जाते हैं। ठीक सवालों के जवाब इन दोनों साहबान से लूंगी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपके 3:30 मिनट हुए, देना होगा मैं आपसे इसका और मौकफ आपका लूंगी, इनसे भी लूंगी, मगर जाहिद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपके हामी है, मैं चाहूंगी वो भी अपना मौकफ दें। वेरी वार्म वेलकम टू यू जाहिद खान साहब, आप लोग चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हों सिंध में? देखिए जी, कौन इसे इनकार करते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात न हो या बल्दियाती निजाम न हो, लेकिन कौन सा निजाम? क्या वो निजाम जो एक डिक्टेटर ने 2002 में किया था और उसको दोबारा ऑर्डिनेंस आया? देखिए, हमने जो ऑर्डिनेंस आ रहे हैं उसके हमने मुखालिफ की और हमने उसको मुस्तरद किया ANP ने, इसलिए कि इससे पहले एक ऑर्डिनेंस आया था जो 79 का निजाम था और पूरे सिंध के आवाम ने उसको एक्सेप्ट किया था। याद होगा उसके बीच में बाबर आवाज साहब कराची के गवर्नर थे, एक और ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की जो रूरल और अर्बन एरियाज को तकसीम करने की कोशिश की गई थी, जिसपे सिंधी आवाम ने बहुत परजोर मुखालिफत की। लेकिन जाहिद खान साहब, आपकी आपकी हामी हैं आप तो हुकूमत के, और सदर जाहिद साहब का ख्याल ये है, बात तो सुन ले ना, मेरे बात सुन ले, आप बात कंटिन्यू करें, मैं सिर्फ उसमें एक लुकमा दे रही हूँ आपको भी से, कि वो तो चाह रहे हैं कि आम इंतखाबात से पहले हो जाए, यहाँ तो बहस ही नहीं पूरी हुई अभी कि होने कैसे हैं, कौन से इंतखाबात है, जरा मेरे बात आप सुन ले तो फिर आप जवाब, अगर मैंने जवाब सही नहीं दिया फिर आप सवाल कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम उसकी इत्तेहादी जरूर है लेकिन हम उनमें जम नहीं हो चुके हैं। जो चीज आवाम की भलाई के या आवाम के उफादात के खिलाफ हो, आवाम नेशनल पार्टी पुरजोर उसकी मुखालिफत करेगी, और हमने उस निजाम को जो 79 का निजाम था, उसने जो असेंबली ने उस ऑर्डिनेंस को पास किया है उसको हमने माना था और हमने उसको वेलकम किया था, क्योंकि सिंधी आवाम ने किया था। अब क्योंकि ये निजाम जो ला रहा है ये सिंधी आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है, तो हम ऐसे निजाम उनके ऊपर मुसलत होने नहीं देंगे जो सिंधी आवाम के लिए काबिल कबूल ना हो। और हमसे तो हमें पता भी नहीं है कि कौन सा निजाम लाया गया, दो पार्टियां बैठ कर वो आपस में जो भी करके और लेके आते हैं, तो अवामी सर पार्टी उसूल की पार्टी है, वो इतिहादी जरूर है लेकिन आवाम के जो हकूक है उस पर सौदा कभी न किया है न करेंगे। हम इसलिए इसकी मुखालिफत किए और हमने ये कहा कि वो ऑर्डिनेंस जो ऑलरेडी अपने असेंबली से पास किया था और सिंधी आवाम ने उसको वेलकम किया था, हम उस निजाम के पेवर में है, उस सिंधी आवाम के साथ है जो ये ठीक है, नया ला रहा है। आपने बड़ी तफसील से मुझे अपना मौका बताया जाहिद खान साहब, मगर लेट्स फॉरगेट कि ये निजाम है क्या, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये निजाम क्या है, जनरल इलेक्शन से पहले क्या आप हामी हैं कि कोई और इंतखाबात हो सके? आप समझते हैं इस वक्त ये हो सकता है? देखिए, आपको ये भी मालूम है कि अभी तक आपका इलेक्शन जो है वो रजिस्ट्रेशन वो सही नहीं है, अभी भी आपने इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये इलेक्शन तब होता है जब इलेक्शन कमीशन अपने जो वोटर लिस्ट है उसको कंप्लीट कर दे, अभी भी उसने लोगों के लिए रखा, लोगों के बहुत सारे इतराजात आ रहे हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी मैं तो हूँ दीर का या मैं हूँ पेशावर का, मेरा रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद में हुआ है, तो जब तक ये खामियां आपने दूर नहीं की तो कौन सा इलेक्शन आप कर सकते हो? मुझे तो ये तो आपको नजर नहीं आ रहा जनरल इलेक्शन, ANP को नजर नहीं आ रहा? नहीं देखे, नहीं नहीं, जनरल इलेक्शन की मैंने तो बात ही नहीं की, जनरल इलेक्शन तो अभी है टाइम और जनरल इलेक्शन के लिए ये हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपनी कोशिश कर रही है और वो जो वोटर लिस्ट है उसको ठीक करने के लिए आवाम के लिए भी कोशिश करे, तो उसमें तो दो राय हो सकते हैं। इलेक्शन जनरल इलेक्शन तो डिले हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आईन के अंदर उसमें कोई ऐसे शिक है नहीं कि जिससे आप इलेक्शन को डिले कर, लेकिन आईन के शिक के अलावा डिलेइंग टैक्टिक तो हो सकती है ना खान साहब, और आपकी आपकी पार्टी पर रिजर्वेशन ये है कि आप लोग बिल्कुल हल्की हल्की आवाज निकालते हैं, बल्दियाती इंतखाबात के बारे में आप कहते हैं कि हमसे मशवरा भी नहीं किया जाता, उसके बावजूद कभी आपने ये नहीं कहा कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, कभी आपने ये नहीं कहा कि हम अपोजिशन बेंचेस पे चले जाएंगे, मुत्तहिदों ने भले वापस ले लिया फैसला तो किया, आप लोगों ने तो कभी किया ही नहीं। देखिए जी, हम तो और तरह ये आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि देखिए, जब जब भी आपका किसी के साथ इतिहाद होता है तो वो किसी इश्यूज पे होते हैं, और उस इश्यूज का ये मतलब नहीं होते कि आपका इख्तलाफ राय है तो आप हर रोज कहते मैं जा रहा हूँ, ये तो मेरे ख्याल में सियासत में हमने पहले बात देखा कि ये बात होती रहती है। देखिए, जदोजहद करना, इख्तलाफ रखना, उसको पार्लियामेंट में उठाना, उसकी सनी समय, ये हमारा हक है, और इंशाल्लाह हम मजबूर करेंगे हुकूमत को कि ये न लाए, क्योंकि इससे आवाम और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि मजबूर करेंगे, मगर मेरे साथ रहेगा जाहिद साहब, क्योंकि मैं चाहूंगी इंशाल्लाह साहब से भी इस पे कमेंट हो, फिर आपसे जवाब लेना है। आप लोगों के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हाईलाइट की हैं इंशाल्लाह रिजा साहब ने, आप लोगों को इलेक्शन चाहिए मगर सिंध में करेंगे क्या आप लोग? देखिए, बात यह है जी कि
मेरा ये ख्याल है कि वाला पॉइंट बड़ा अहम है जो उन्होंने कहा। मेरा ये ख्याल है कि हम जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन ये खुद जो सिंध में कर रहे हैं, मुझे उस बात का एक बात का जवाब दे दें कि कराची में जो इस वक्त हालात हैं उसमें ये तीन ही पार्टियाँ हैं, शैला रजा साहिबा जो हैं माशाल्लाह डिप्टी स्पीकर भी हैं, ANP के भी हमारे सेक्रेटरी इत्तेलात हैं, उनके जायद खान साहब सेनेटर भी हैं और MQM। मुझे ये बताएं कि ये तीनों पार्टियां आपस में अलायंस में भी हैं, लेकिन इन्होंने जो हाल कराची का किया हुआ है, आए दिन जो लोग वहाँ पर टारगेट किलिंग का निशाना बन रहे हैं, कितनी ख़वातीन हैं जो रोज़ ये वहाँ पर बेवा होती हैं, कितने बच्चे हैं जो रोज़ वहाँ पर यतीम होते हैं, कितना वहाँ से बत्ताखोरी होती है, कितना वहाँ पर असला है, कितनी वहाँ पर मनशियात चल रही है, ये पहले अपनी कारकर्दगी का तो जवाब देना कि दूसरों के ऊपर तो बड़ा आसान होता है कि उधर आप उंगली उस पर करें, उस पर उंगली करेंगे तो तीन उंगलियाँ आपकी तरफ होती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हम तो जो करेंगे मुस्तकबिल की बात है ना, आपके जो कारहाए नुमाया आप पिछले इन चार सालों में सर अंजाम दे चुके हैं, मैं समझता हूँ कि ये जब आवाम के पास जाएंगे तो इन्हें लग समझ जाएगी, क्या उन्हें ख्वाब दिखाएंगे कि हम क्या आपके ये कुछ करेंगे कारकर्दगी लेके इलेक्शन के पास जाएंगे। जी साहिबा, मैं एक बात कहना चाहूंगी। जी फरमाइए। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी कारकर्दगी है, अभी हमने अब्दुल सलाम थईम की सीट पे तो दिखाई वो तो आप कह देंगे आपकी गवर्नमेंट है, लेकिन आपकी जो कारकर्दगी है, आप मेहरों के पास आए वहाँ पे आपने मुझे कराची के हालात का जवाब चाहिए, जो मैंने कराची के सवालात किया उसका मुझे पहले जवाब दे, फिर इल्जाम लगाएं। हमारे साथ मिल गए, उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, आपको नहीं ज्वाइन किया, आपके पास जो है वो सारे जीरो आए जिनसे आप मल्टीप्लाई होने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और बात यह है कि देखिए अभी तक मुसव्वदा जो है, अगर आप अपने ही प्रोग्राम के नीचे जो है वो टिकर पड़े तो अभी भी जो मुसव्वदा है वो हतमी नहीं हुआ। हाँ, जिस दिन हतमी हो गया, हम चाहेंगे कि हम ऐसे हालात करें कि हम यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात कराएं। और एक और बात यह है कि अगर आप पंजाब में पूरे किलिंग की तादाद देखें साल भर की, तो वो सिंध से कहीं ज्यादा है। पंजाब जिस तरह पुलिस स्टेट बना हुआ है वो भी सबके सामने, लेकिन फिर वो एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट की बात हो जाएगी। इसका मतलब ये तो नहीं होना चला साहब कराची के हालात ठीक है, मगर जायद खान साहब फिर आपसे मेरा कहना ये है कि इन दोनों के पास सिंध में कोई सीट नहीं है तो, लेकिन इलेक्शन तो लड़ सकते हैं ना, सीट हो या ना सीट हो या ना, डिसाइड करने वाली आप, डिसाइड करने वाली कौन होती है, सीट है कि नहीं है। जब आपसे बात करते हैं तो आप कहते हैं लेट पीपल डिसाइड, इफ लेट पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड फॉर यू, अगर आपका फेट उन्होंने डिसाइड करना है तो हमारा भी वो डिसाइड करेंगे। आप कौन है बताने वाली कि सिंध में सीट है कि नहीं है, क्योंकि आपने महार को साथ ले लिया, क्योंकि आपने कातिलों को साथ ले लिया, कल तक जो कातिल लीग थी आज कबूल लीग हो गई आपके लिए, वो ठीक है। ये अजीब निजाम है कि वहाँ आपकी तरफ जो जाए वो ठीक है, जो इधर आ जाए वो खराब है। जो आप नादिर लगारी के बारे में सवाल कर रही थी, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। आरिफ अलवी हमारी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल था और आज भी है सेक्रेटरी जनरल, नादिर लगारी का बॉस होता है वो, फिरदौस शमीम नकवी हमारी CEC का मेंबर है, PSC का मेंबर है और कोर ग्रुप का मेंबर है, वो भी नादिर लगारी का बॉस होता है। और हमारे पास जिस जिसका आप नाम ले दीजिए, जो आता है हम उसे, जो साफ लोग आते हैं उन्हें खुले दिल के साथ कबूल करते हैं। आपने तो कातिलों को लिया है, जिनको बीबी ने कातिल कहा था उनको आज गले लगा के फिर अपनी हुकूमत बचाने के लिए आप तो मार के पास चले गए जो साड़ी बांध के डांस करते रहे उनको। जनाब-ए-मन आपका मुझे कंप्लीट करने देना, आपसे वो सवाल कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं सिंध का कि जी आपका वहाँ पे सिंध में कौन से हालात बेहतर है, आप कह दीजिए पंजाब में कौन से हालात बेहतर है, मतलब आप अपने हालात बताइए, आपके कौन से हालात बेहतर है, वो हालात आप बता देंगे कि ये हालात हमारे बेहतर है। नहीं पता आपको तो मैं बता देता हूँ आपको स्टैटिस्टिक्स का, अगर आपको अंदाजा नहीं है, आपको कुछ पता है कि आपके सूबे में क्या हो रहा है, आप पंजाब को भी स्पेयर नहीं कर सकते, पंजाब के अंदर भी हालात अच्छे नहीं है, पंजाब के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें वो इससे भी बुरे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहां आपकी गवर्नेंस है आप उसका जवाब ही नहीं देंगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। शैला रजा साहिबा, आप एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं एंड वी एज पीपल ऑफ पाकिस्तान एज अवाम आपसे जवाब मांगते हैं कि जिस शहर में मेरे बच्चे हैं, जिस शहर में मेरी माए बहने हैं, उसका असर खराब हुआ हुआ है, सारी पुलिस स्क्वाड आप लेके घूमती है, VIP कल्चर आप लोगों ने लगाया हुआ है, आपके छह छह गाड़ियां पुलिस की चलती है जिसके अंदर 100-100 पुलिस वाले बैठे होते हैं, थानों के अंदर नफरी नहीं है, काम नहीं चलेगा इस तरह की तकरीर से, काम नहीं चलेगा।
जी जवाब दे दीजिए साहब, यू स्टार्टेड इट, काम नहीं चलेगा। आपने शुरू किया, आपको आपको ये किसने हक दिया कि आप ये बताएं कि हम जीरो हैं और आप हीरो हैं? आपके बड़े हीरोइक काम सारे हमने देख लिए। आप लोगों की भी अच्छी नहीं है और पंजाब से कंपेयर ना करें, ये बताएं कि आप लोगों ने क्या किया है। देखिए मैं इनसे ये कह रही हूँ, पार्टी इस वक्त आप प्रोग्राम ये नहीं कर रही कि हमने क्या किया। इस वक्त आप इंतखाबी अलायंसेस पे बात कर रही हैं और हम ये कह रहे हैं कि आइंदा का इंतखाबात कैसा होगा, आवाम ने डिसाइड करना है। जब भी पार्टी की तारीफ देखेंगे तो इन्हें बैंगन ही बैंगन नजर आएंगे और इन्हें ये समझ आ जाएगी। मेरा टॉपिक है, मुझे बताने दें जी, मेरा टॉपिक ये है कि आप लोगों को अभी इंतखाबात क्यों याद आ गए हैं, ये सवाल है कि क्या इंतजाम। हमें तो इंतखाबात याद है, जिनको याद नहीं है, जिनको याद नहीं है वो, जिनको इंतखाबात याद नहीं है जी, उनके लोग जो हैं जमानतें जब्त करवाते हैं। जिनको इंतखाबात याद नहीं है वो सपोर्ट भी करते हैं कैंडिडेट। इंतखाबात जीत जाए, इलेक्शन दोबारा आ जाए, फिर गवर्नमेंट में डर क्यों रहे हैं, इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, हीले बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? तो ये कह रही हूँ मैं, तो ये कह रही हूँ कि परिया आप इनको मेरे साथ बिठा दे, हम सुबह और तैयार हैं, मेजोरिटी से जीत जाए। उससे क्या क्वेश्चन रिचरा साहब, आपके साथ हम ही आपके साथ ही हैं इस वक्त, क्योंकि वर्कआउट करते हैं आपके दोनों, पेट्रोलियम प्राइसेस आप बढ़ाते हैं तो वो पीएमएलएन के साथ वर्कआउट करते हैं, आज एमक्यूएम तो इनके साथ बैठे हैं, पेट्रोलियम का भी मैं बता दूं, पेट्रोलियम के साथ भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जरा एग्रीमेंट दें, मैं आपको बताऊं पेट्रोलियम में इन्होंने क्या क्या काम के साथ, सुन तो ले आपके फैक्ट सुन ले, चला रहता साहब जो पेट्रोलियम में आप काम के साथ कर रही है ना, उसके फैक्ट सुन ले, इनके फैक्ट सुन ले शरा साहब, अब एक ही दफा जवाब। 2011 में इन्होंने पेट्रोलियम के ऊपर 14% लीवर ड्यूटी लगाई, और सिर्फ लीवर ड्यूटी के ऊपर, ये सुन ले, ये इनकी आदत, अब इन्होंने सुनना नहीं है क्योंकि अब इन्होंने काम को सच सुन नहीं देना। इन्होंने 60 अरब रुपया लीवर ड्यूटी के अंदर, लीवर टैक्सेस जो पेट्रोल के ऊपर लगाए वो वसूल किए इन्होंने 60 अरब 37 करोड़ रुपए, पहले क्वार्टर में 15 अरब 620 मिलियन, उसके बाद सेकंड क्वार्टर में 4 अरब 49 करोड़, थर्ड क्वार्टर में 18 करोड़ और फोर्थ क्वार्टर में 22 करोड़ रुपए इन्होंने लीवे लिया। सुने सुने सुने, मैं आपको बता रहा हूँ, और इन्होंने 16% जीएसटी लगाया हुआ है उसके ऊपर। सुन लें शैला सरदा साहब, आपको शायद पता नहीं होगा, ये 16% जीएसटी लगाया हुआ है, 14% लीवे लगाया हुआ है, 8% के अंदर इकरा सरचार्ज और एक्साइज ड्यूटी, ये लगा के 30% टैक्सेस चार्ज करते हैं पेट्रोल के ऊपर। पहले मेरी बात जवाब इनसे लें, 30% टैक्स जब पेट्रोल के ऊपर ये लेते हैं, हमारे बराबर वाला पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश 45 रुपीज के ऊपर 10 रुपया सब्सिडी देता है अपने लोगों को पेट्रोल के लिए कि उनके लोग परेशान ना हो, ये 30% टैक्स लगा के ये अय्याशी जो कर रहे हैं, ये गवर्नर हाउस प्राइम मिनिस्टर हाउस और ये सारे में जो अय्याशियां हो रही हैं, ये हमारे खून पसीना की कमाई से हो रही है। कल एक रिक्शे वाले ने खुदकुशी कर ली पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के ऊपर, इनके कान पे जूंग तो नहीं रहूंगी, ये क्या क्या बात करते हैं, ये आवाम के नुमाइंदे खाली इतराज नहीं है, आपके हामी भी इतराज उठा रहे हैं पेट्रोलियम प्राइस पे, आपके हामी भी वर्कआउट करते हैं इसके ऊपर, टैक्स लगाते हैं पेट्रोल पे, बांग्लादेश सब्सिडी देता है अपने लोगों को, ये टैक्स लगाते हैं हमारे ऊपर। इमरान साहब इनकी तनख्वाह बढ़ा देंगे, इनके साथ ऐसा नहीं होगा जैसे कि आरिफ अलवी के साथ, जैसे कि मुलाजमत आप करती होंगी आसिफ अली जरदारी की, मुलाजमत आप करती होंगी आसिफ अली जरदारी की, अगर आप तमीज का दामन छोड़ेंगी तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं किसी खातून से बात कर रहा हूँ। ऐसा करें, यह आपको बिहेवियर सर डिग्राम कर ले, बहुत असरत है, आपको भी बिहेव करना पड़ेगा, ये तनख्वाह उनखा की बात आपकी पार्टियों में चलती होगी, तनख्वाह लेते होंगे आपकी पार्टी में, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन जी साहब, चोर कंपनी वर्जिन ऑयल में बनी हुई है जी शाला साहब, आपकी वो ऑफशोर कंपनी की बात कर रहे हैं लेकिन वो दूसरा टॉपिक चला जाएगा, मेरा सवाल ये है ऑफशोर कंपनी के बारे में, उस्ताद हैं, गुरु हैं, आप कहते हैं स्विट्जरलैंड में जो अकाउंट है स्विट्जरलैंड से आपके आपको इसी तरह प्रोग्राम करना है तो इनको बताइए कि मैं फौजिया कसूरी आपके खातून नहीं हूँ जो फजूल बातें करती रहूँ, मैं टू द पॉइंट मुझे पता है आप शैला रजा है और आपकी अपनी एक जात है, आप उसी तरह से